नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए टाटा की वीडियो होने वाली है, तो पहले ही वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और रतन टाटा सर आप लोग जरूर लिख देना। भाई जिस गाड़ी का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, जिसको हम लोग टाटा कर्व के नाम से जानने लगे हैं, उस गाड़ी को ऑफिशियल तरीके से लॉन्च करने की तैयारी बना ली गई है, क्योंकि उसके टीजर भी लॉन्च किए जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट मतलब जितनी भी डिटेल्स मिली हैं सब बताएंगे इस वीडियो में। एंड चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम गाड़ी के प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, तो 15 लाख के प्राइस पॉइंट से लेके ये 20 लाख के प्राइस पॉइंट तक आएगी। और बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई कब तक लॉन्च होगी, तो 7 अगस्त 2024 में इसको लॉन्च भी किया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और कैमाफ्लॉज से ढक के इस गाड़ी की टेस्टिंग भी हो रही है। इस गाड़ी में फीचर्स की बात करते हैं, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प कनेक्टिंग, DRL कनेक्टिंग, टेल लैम्प, 360 डिग्री व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट जैसी चीज़ें ऑफर करी जाएंगी। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिलने वाला है और इलेक्ट्रिक वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। ये गाड़ी आपको लुक्स वाइज काफ़ी अमेजिंग लगने वाली है और आपको डायमंड कट में एक बेहतरीन से अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। बॉडी टाइप आपको ये सेडान लग रही होगी, बट ये SUV है। 7 अगस्त को लॉन्च होगी, देखो इसका क्या कुछ मिलने वाला है। वैसे तो पूरी तरीके से रिवील हो जाएगी, ऑलरेडी मैंने वीडियो शूट किया था और फिर से एक बार बना दूंगा। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाली है 1.5 लीटर इंजन के साथ या और 1.2 लीटर इंजन के साथ ये आने वाली है। जो 1.2 लीटर इंजन है वो 122 bhp की पावर जनरेट करेगा, उसके साथ साथ 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 6-speed मैनुअल के साथ। और DCT भी देखने को मिलने वाला है, जिसको हम लोग ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन बोलते हैं। और 1.5 लीटर इंजन जो डीजल के साथ आने वाला है 113 bhp की पावर जनरेट करेगा, उसके साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा, जो कि 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। वही गाड़ी की अगर टेस्टिंग की बात करते हैं, तो अभी ग्लोबल NCAP में इसको नहीं भेजा गया है। जैसे ही लॉन्च होगी तो इसको ग्लोबल NCAP में भेजा जाएगा और उम्मीद है कि 5 से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स भी ली है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि टाटा कर्व की ये वीडियो आप लोग कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।